नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है सैमसंग के दो डिवाइस, एक है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G एंड सेकंड है गैलेक्सी A34 5G। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ही फ़ोन का एक कैमरा कंपैरिजन। दोनों फ़ोन के रियर पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों फ़ोन में से आपको किस फ़ोन का कैमरा एक दूसरे से बेहतर देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन से। अगर बात करें गैलेक्सी M34 5G की, तो इसके बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का यहां पर आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का यहां पर आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक LED फ्लैश का भी ऑप्शन आपको इसके बैक पर देखने को मिलता है। अब बात करें गैलेक्सी A34 5G की, तो इसके बैक पर आपको 48 मेगापिक्सल का PDF OIS कैमरा मिलता है, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ आता है। यहां पर भी आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको एक LED फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोनों फ़ोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों फ़ोन के रियर पर आपको पोर्ट्रेट मोड एंड फन मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों आप दोनों फ़ोन के लिए अल्ट्रा वाइड लेंस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैमरा मोड्स की बात करें तो दोनों फ़ोन के मोड में जाकर आपको कुछ ये कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं। दोनों फ़ोन में बिल्कुल आपको सिमिलर कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं। नाइट मोड भी दोनों में दिया गया है। सुपर स्लो मोशन वीडियो के अलावा फास्ट मोशन वीडियो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फ़ोन से आप अल्ट्रा HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर दोस्तों आप वीडियो की सेटिंग में जाओगे तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। वहीं दोस्तों दोनों फ़ोन के अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों फ़ोन के फ्रंट पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और वहीं दोनों फ़ोन के फ्रंट पर आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर यदि आप दोनों फ़ोन के फ्रंट में मोड में जाओगे तो वही सेम कैमरा मोड्स आपको दोनों फ़ोन के फ्रंट पर भी देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों फ़ोन के रियर पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो A34 5 के फ्रंट कैमरे से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं गैलेक्सी M34 5G के फ्रंट कैमरे से आप ओनली फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब चलते हैं दोनों फ़ोन के पिक्चर की ओर और देखते हैं किस फ़ोन का कैमरा आपको एक दूसरे से बेहतर पिक्चर्स प्रोवाइड करके देता है। दोस्तों ये हैं दोनों फ़ोन की आउटडोर पिक्चर क्वालिटी। अगर यहाँ बात करें सबसे पहले कलर्स की, तो M34 में डायरेक्ट स्लॉट में आपको एक्चुअल पिक्चर देखने को मिलेगी, जबकि A34 के कैमरे में आपको थोड़ी येलो टोन का इशू देखने को मिलेगा। हालांकि A34 के कैमरे से जब आप किसी पेड़ की छांव में या नॉर्मल कंडीशन में पिक्चर्स लेते हो तब आपको बिल्कुल शार्प और एक बेहतर पिक्चर्स देखने को मिलेगी। अगर डिटेलिंग की बात करें तो हालांकि डिटेलिंग दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन जब आप कलर्स की बात करोगे तब आपको A34 में आपको थोड़े शार्प कलर देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस फोटोग्राफी के मामले में भी A34 आपको अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पर भी आपको A34 का फोकस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट पिक्चर्स की बात करें तो रियर कैमरे के पोर्ट्रेट में मुझे A34 का कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पर आपको स्किन टोन बिल्कुल शार्प और कलर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, जबकि M34 में आपको ब्लैक स्किन टोन देखने को मिलेगी, कलर भी आपको थोड़े डल देखने को मिलेंगे। तो पोर्ट्रेट कंडीशन में भी A34 का कैमरा ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू M34। अब दोस्तों यहाँ दोनों फ़ोन की अगर सेल्फी की बात करें तो दोनों फ़ोन की सेल्फी में मुझे काफ़ी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिली है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मुझे दोनों फ़ोन की सेल्फी में देखने को नहीं मिला है। अगर कलर्स की बात करें तो किसी पिक्चर्स में आपको A34 में थोड़े शार्प कलर और स्किन टोन भी थोड़ी ब्राइटर देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में मुझे दोनों फ़ोन की सेल्फी सिमिलर सी देखने को मिली है। फिर भी दोस्तों आप कमेंट कर बताएं आपको दोनों फ़ोन में किस फ़ोन की सेल्फी ठीक ठाक देखने को मिली है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे A34 की सेल्फी थोड़ी बेहतर देखने को मिली है। अब दोस्तों वहीं बात करें दोनों फ़ोन की लो लाइट पिक्चर्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों फ़ोन की लो लाइट पिक्चर्स। यहाँ पर मुझे थोड़े से शार्प कलर A34 के कैमरे में देखने को मिले हैं। डिटेलिंग हालांकि दोनों फ़ोन में ठीक ठाक है, लेकिन फोकस के मामले में आपको A34 ही ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो लो लाइट कंडीशन में भी मुझे A34 का कैमरा थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी M34।
अब दोस्तों यहाँ बात करें धोनी फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों धोनी फोन से हमने यहाँ पर फ्लैश डी में वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो में सबसे पहले बात करें कलर्स की, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि A34 में जब डायरेक्ट सनलाइट में आप कुछ भी करोगे तब थोड़ा सा आपको येलो टोन का इशू देखने को मिल सकता है, और जब आप नॉर्मल कंडीशन में कहीं भी पिक्चर्स या वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब आपको अच्छी पिक्चर्स और अच्छी ही वीडियो A34 में देखने को मिलेगी। हालांकि M34 में भी आपको अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। धोनी फोन में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको बिल्कुल स्टेबल वीडियो धोनी फोन में देखने को मिलेगी। फोकस की बात करें तो धोनी फोन का फोकस वीडियो में मुझे ठीक ठाक देखने को मिला है। तो दोस्तों ये था धोनी फोन का कैमरा कंपैरिजन। अगर ओवरऑल धोनी फोन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको A34 का कैमरा थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू M34। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।